is the question from your NCERT book of exercise 4.2 and question number is 6. इसको प्रूफ करना है हमें जीरो का इक्वल, तो इसको लेते हैं एलएचएस, तो इसका हम एलएचएस ले लेते हैं, इट इज जीरो ए माइनस बी, इट इज माइनस ए जीरो सी एंड बी सी जीरो। इसको थोड़ा प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट नहीं है आपका, सी नहीं है, इस वाले बी नहीं है, इस वाले में आपका ए नहीं है, तो ये काम कर दीजिए, आर वन चेंज सी आर वन, आर टू चेंज बी आर टू एंड आर थ्री चेंज ए आर थ्री। थोड़ा सी से बना दिया है तो सी अपॉन में भी आएगा, बी से बी अपॉन में आएगा और यहाँ पे ए अपॉन भी आपका अपॉन में आएगा। अब देखिए ये क्या आपका ए बी ए सी जीरो, इट इज माइनस ए बी जीरो बी सी, यदि मैं इस वाले रो में से आर वन में से आर टू को हटा दू ये हो जाएगा प्लस का ए बी प्लस का ए सी और जीरो, दोनों आपको सेम हो जाएंगे, तो वो यही करने वाला हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज आर टू चेंज आर टू चेंज आर टू माइनस आर वन, इसको करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहां मैंने किया है आर टू माइनस आर वन, तो माइनस ए बी माइनस जीरो ए बी माइनस ए सी और जीरो, यदि आप यहां से आप कॉमन लेंगे आर टू चेंज बाहर आपका वही चल रहा है वन अपॉन ए बी सी, अब आर टू चेंज माइनस आर टू, इससे क्या होगा आप ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं टेक कॉमन फ्रॉम टेक कॉमन माइनस फ्रॉम रूट टू, तो इसमें से जब माइनस वन निकालेंगे आप तो माइनस ए बी सी ऊपर आपका जीरो ए सी बी सी डेट इज ए बी ए सी जीरो ए बी ए सी एंड जीरो, हियर वी सी आर टू एग्जैक्टली सेम आर थ्री, हेंस इसका डिटरमिनेंट आपका जीरो आएगा, बिकॉज जब दो रोज दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है, इसको हमने प्रूव कर दिया है जीरो के इक्वल। और सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको ध्यान रखना है ये चीज इसमें है, जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो डिटरमिनेंट हो उसका यही एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो भी मिसिंग एलिमेंट है, पहले में आपका सी मिस है तो सी से गुणा कर दीजिए, तो बी नहीं है तो बी से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आप बी से गुणा कर दीजिए, फिर उसको आप घटा करके सेम कर ले और उसके बाद आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा।